यूपी के उन्नाव में रेप पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि गंभीर हालत में फिलहाल रेप पीड़िता को लखनऊ के एक अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तो केरोसिन डालकर खेत में युवती को जलाने की कोशिश यहां पर की गई है और फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि 1 साल पहले इस युवती से रेप हुआ था। यूपी के उन्नाव का यह मामला है जहां पर रेप पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश यहां पर की गई है। फिलहाल स्थिति रेप पीड़िता की बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते अस्पताल में रेफर किया गया है। युवती को लखनऊ के अस्पताल में रेफर किया गया है। तो फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 1 साल पहले बताया जा रहा है युवती से रेप हुआ था। तो देश भर में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से देश के लोग उबाल में हैं, विरोध में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं देश की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए, हैदराबाद में जिस तरह से गैंगरेप और फिर मर्डर का यह मामला सामने आया, उसके बाद से इस तरह के मामले कहीं ना कहीं और भी ज्यादा यहां पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जहां पर आपको बता दें कि यूपी के उन्नाव में पहले संभल में भी ऐसा ही मामला सामने आया और अब उन्नाव में भी इसी तरह का मामला जहां पर रेप पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। हालांकि आपको बता दें कि स्थिति बेहद गंभीर, जिसके चलते अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन इसी के साथ 3 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो 1 साल पहले बताया जा रहा है कि जब इस युवती के साथ रेप किया गया था, घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन उसके बाद अब जाकर ये इन आरोपियों ने ऐसा एक कदम उठाया जहां पर जिंदा जलाने की कोशिश इस पीड़िता के साथ की गई। तो फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन इसके साथ ही 3 आरोपियों को भी हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये थाना बिहार की घटना है। आज सुबह सूचना मिली कि उन्होंने UP 100 में सूचना मिली है कि उनको जलाने की कोशिश की गई। उसमें उन्होंने कुछ एक्यूज के नाम भी बताए हैं। कुछ 3 हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं और अभी उनको यहाँ से रेफर कर दिया गया, जिला अस्पताल से लखनऊ के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए रेफर कर दिया गया है। और हमने टीमें बना दी हैं जो जिन्होंने टोटल 5 लोगों के नाम बताए हैं और उसमें 3 हमने पकड़ लिए हैं और 2 को पकड़ने के लिए 4 टीमें बना दी गई हैं और वो उनको जल्द से जल्द उनको भी पकड़ लिया जाएगा। इन्होंने मार्च में एक मुकदमा लिखाया था और उसमें जो दो एक्यूज थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। उसमें एक एक्यूज था, उसका भी राउंड अप किया गया।